मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे YouTube पर सुने। मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ। मुझे ड्रग्स की आदत पड़ गई थी और असल में मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने अपने जीवन के 20 साल पढ़ाई करने में लगाए और अब मुझे लगता है कि वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। जब से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है, घर वाले बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, तुम शादी कब करोगी। एक पीढ़ी के तौर पर हम लाखों चीजें आजमाना चाहते हैं, मगर इस सिस्टम में हम उन लाखों चीजों को नहीं आजमा सकते। आखिरकार ये मेरी लाइफ है और मुझे वो पाना है जो मैं पाना चाहती हूँ। 2 सालों से मैं अपने जीवन में अटकी हुई हूँ, कुछ भी नया नहीं है। युवावस्था का मतलब है कि ये जीवन अभी बन रहा है। युवावस्था का मतलब है उल्लास से भरी ऊर्जा। युवाओं के साथ समस्या ये है कि उनके पास न तो जरूरी स्पष्टता है और न ही संतुलन। अगर आप उनके जीवन में 10% और स्पष्टता और संतुलन ला पाएं, तो ये ऊर्जा एक शानदार रूप ले लेगी। हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है यूथ एंड ट्रूथ। मैं पूरे 1 महीने का समय इसमें लगा रहा हूँ और देश भर में घूमकर युवाओं के बीच इसकी चर्चा करने वाला हूँ। आप बहुत अलग सद्गुरु देखेंगे, क्योंकि मेरे कपड़े अलग होंगे, बातचीत अलग होगी, उनके साथ हर चीज अलग होगी। हमने एक सर्वे किया और पाया कि बहुत से स्टूडेंट्स तनाव में हैं। क्या इससे आजादी पाने का कोई तरीका है? किसी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में होने का महत्व सिर्फ कहीं नौकरी पाने के काबिल बनना या देश के बाहर जाने का पासपोर्ट नहीं है। इसे जीवन को बनाने का तरीका होना चाहिए। अभी जीवन जिस तरह चल रहा है, उससे बेहतर करना। अगर आप वाकई में दुनिया की समस्याओं को हल करना चाहते हैं, तो इसे कभी समस्या नहीं होना चाहिए। कृपया खुद को ऐसा बनाएं कि आप कभी समस्या ना हो, आप हमेशा समाधान का हिस्सा हों। 2 बड़ी समस्याएं हम सभी के सामने आती हैं, पहचान का संकट और खुद पर संदेह। आप हमें क्या सलाह देंगे? संदेह बहुत अच्छी चीज है। सिर्फ मूर्खों को अपने काम पर पूरा यकीन होता है। या तो आपको मूर्ख होना होगा या कट्टर, वरना जीवन में हर पल हर चीज के बारे में दुविधा होती है। ये जीने का एक अच्छा तरीका है। हर कोई आपको ऐसी चीज सिखाने की कोशिश में लगा है जिसने उनके जीवन में काम नहीं किया है। Everybody is trying to educate you about something that's not worked in their life. जब भी आप कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब उनके पास नहीं होता, लोग नाराज हो जाते हैं। एक सवाल सिर्फ गहराई में जाने का एक साधन है। सवाल एक साधन है नए इलाके में प्रवेश करने का। सभी युवाओं को मेरा संदेश है कि आप सद्गुरु से हर तरह के सवाल पूछ सकते हैं। मासिक चक्र के बारे में, सेक्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, हर तरह के सवाल। जो नहीं, ये सब पता है। ये है यूथ एंड ट्रूथ, अनप्लग्ड विद सद्गुरु। आप जो चाहे पूछें, कुछ भी मना नहीं है।